तो सर हमारे कालू के थोड़े दिन ही रह गया, तो उसको उम्मीद है कि 20-22 तारीख को दिन पूरे होंगे। और माशाल्लाह से दोस्तों बिल्कुल ठीक है हमारा कालू दोस्तों। तो सारी बिल्ली को हमने नीचे ही छोड़ा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा दोस्तों ऊपर छत पे, तो इसलिए नीचे ही बैठक में खुले फिरती है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, देखें दोस्तों मिट्टी के नीचे दबा हुआ था यहाँ पे, पता नहीं ये कब से दबा, देखें दोस्तों लीचे लीचे इन्होंने काफ़ी गंद किया हुआ, ऊपर मट्टी गिरी हुई थी दोस्तों, देखें सारा मट्टी में भरा पड़ा है। और ये बच्चा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप, उम्मीद है खैरियत होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनिमल सफर। दोस्तों नासर भाई हैं दोस्त, उसके पास आए हैं और उनका आपको शौक दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये नींबू के पौधे लगे हुए हैं सारे, पूरा बाग बनाया हुआ है दोस्तों छोटे से साइड पर। यह अनार भी लगा हुआ है, नींबू, ये नींबू है ना, ये मौसमी है, और ये अपने जो घर के किन्नू, इनको दो दो तीन तीन मन किन्नू लगता है। और ये देखे दोस्तों मौसमी है, ये नींबू नहीं है जो, माशाल्लाह देखे मौसमी काफ़ी लगा। और ये देखे दोस्तों, ये अनार भी लगा हुआ है इधर, अमरूद के बूटे भी दोस्तों लगाए हुए हैं, ये भी तैयार हो जाएंगे दोस्तों माशाल्लाह से, फल बड़ा उठाते हैं। ये देखें, ये भी माशाल्लाह से किन्नू काफ़ी लगा हुआ है दोस्तों, छोटा छोटा फल लगना शुरू हो गया है इसे भी। इधर भी दोस्तों किन्नू, शतूत और अमरूद वगैरह दोस्तों इधर लैंड में लगाए हैं, और इधर भी किन्नू ही किन्नू दोस्तों सारा किया हुआ, छोटा सा बाग बना दिया किन्नू का, और माशाल्लाह से बड़ा ही फल उठाता है दोस्तों। सेंटर में अनार लगा हुआ, अनार ने भी फल दोस्तों उठा लिया है, कुछ फूल लगे हुए हैं, कुछ अनार भी लगना शुरू हो गए हैं दोस्तों। अब आपको दोस्तों जर्मन शेफर्ड दिखाते हैं नासर भाई, जो सिंगल को जोड़ा लेकर आए हैं दोस्तों। और ये देखें जी, ये आम का भी लगा हुआ दोस्तों, माशाल्लाह पूरा छोटा सा बाग बनाया हुआ है, आम ने भी दोस्तों फल उठाया, छोटी छोटी दोस्तों देखें आमियाँ लगी हुई हैं, फूल भी लगा हुआ है। अब आपको जर्मन शेफर्ड दिखाते हैं दोस्तों, सिंगल कोट नासर भाई लेकर आए हैं, देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा है। स्टोक कोट में दोस्तों फीमेल भी है दोस्तों, इसकी फीमेल भी दिखाती है, और ये मेल है जी, देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है, हाइट भी अच्छी है दोस्तों, बैंड शैंड भी इसका अच्छा है, कलर भी इसका माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा है। क्या नाम है इसका? टाइसन। टाइसन, टाइसन नाम है दोस्तों। और ये है मैक्सी, की नज़र नहीं आ रही, से बाइट बुलाते हैं। टाइसन देखें दोस्तों माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत है। अब आपको इसकी फीमेल दिखाते हैं, मैक्सी फीमेल आ रही है, मैक्सी नाम है इसका, ये भी सिंगल कोट है दोस्तों, जोड़ा देखें माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा है। गर्मी दोस्तों बर्दाश्त कर लेते हैं, लॉन्ग कोट जो हमने रखे हुए थे लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करते, ये गर्मी जैसे भी करके सीज़न लगा जाते हैं। और फीमेल भी देखिए प्यारी है, और मेल दोस्तों इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह, हाइट शाइट भी अच्छी है दोस्तों, टेल वगैरह भी बिल्कुल ठीक है इसकी। और ये देखें दोस्तों, इधर मुर्गियों का सेटअप बनाया हुआ, सील मुर्गी शौक करवाते हैं दोस्तों, सारे ही शामू नस्ल के दोस्तों, अभी तो काफ़ी पिंजरे खाली पड़े हैं भाई करा, अब इंशाल्लाह और रखेंगे दोबारा। एक जोड़ा इसमें फिर है दोस्तों शामू, आपको वो दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों शामू की नस्ल है, ये मुर्गी थाईलैंड की है दोस्तों, और मुर्गा जो है वो शामू नस्ल का, और माशाल्लाह मुर्गे की हाइट देखें दोस्तों, मुर्गी छोटी सी लग रही है इसके अगे, बिल्कुल छत के साथ लगने का हो रहा है मुर्गा, माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा है दोस्तों, ब्लैक कलर है दोस्तों, टेल वगैरह भी देखें कितनी लंबी है, और हाइट भी देखें माशाल्लाह कितनी लंबी है जी, मुर्गी भी देखें माशाल्लाह दोस्तों बड़ी ही प्यारी है। इसके साथ एक मुर्गी है वो भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें दोस्तों, ये भी मुर्गी अच्छी है, ब्लैक कलर की है, ये भी हाइट वाली मुर्गी है, असील दोस्तों प्योर, और गेज भी दोस्तों अच्छे बने हुए हैं, ऐसे लाइन में ही सारे बने हुए हैं। ये देखें दोस्तों शैगी को नहला रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, शैम्पू लग रहा था दोस्तों, शैगी को अच्छी तरह शैम्पू लग गया, और अब इसको पानी के साथ नहलाते हैं जी, गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको नहला रहे हैं ताकि गर्मी ना लगे। और इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, अलशीशन दिखाते हैं जी, जो बगियाड़ी दोस्तों लेकर आए हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त है, वो दिखाएंगे आपको, पहले इसका शैम्पू निकाल दें दोस्तों अच्छी तरह, इसको नहला देते हैं, देखे दोस्तों कितने सुकून से नहा रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों आज भी, कान में पानी ना चला जाए इसलिए कमर पे ही पानी मारते हैं अच्छी तरह ताकि शैम्पू निकल जाए, तो बड़े ही सुकून से नहा रही है दोस्तों, देख रोट वेलर फीमेल, सुकून मिल रहा है दोस्तों इसको नहा के, शैम्पू दोस्तों सारा निकल गया, इसको पानी थोड़ा सा और लगा देते हैं ताकि इसका जिस्म थोड़ा सा ठंडा हो जाए, सर पे भी थोड़ा सा गिरा देते हैं पानी। ये देखें दोस्तों बगियाड़ी डॉग है अलशीशन प्योर, छोटा सा बच्चा है दोस्तों, बड़ा ही प्यारा है, ये आपको दिखाते हैं, देखें दोस्तों कितना ज़बरदस्त है, इसको भी नहला रहे हैं दोस्तों शैम्पू के साथ, कल ही आया है दोस्तों ये, और देखें किस तरह कर रहा है, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है दोस्तों, एक दो दफ़ा जब नहाएगा ये फिर आदत हो जाएगी इसे भी नहाने की। ये दोस्तों डॉक्टर शैम्पू है ताकि थोड़ी बहुत जुएं वगैरह होंगी दोस्तों वो खत्म हो जाएगी, इसको शैम्पू लगा के अच्छी तरह मसल देते हैं दोस्तों। और देखें दोस्तों कितने सुकून से नहा रही है जी बगियाड़ी डॉग, आराम से दोस्तों, पहले तंग कर रही थी अब तो बिल्कुल आराम से नहा रही है, इसे सुकून मिल रहा है दोस्तों, ठंडा पानी इसके ऊपर गिरा है तो शैम्पू मसल रहे हैं, देखें दोस्तों शैम्पू तो आराम से लगवा लिया था अब नहा नहीं रही, कैसे कर रही है दोस्तों, काटने को आ रही है, देखें दोस्तों बड़ी मुश्किलों से नहाया है ये,
छोटा सा बच्चा और कितना तंग कर रहा है, लगता है पहली दफा नहाया, इससे आदत हो जाएगी। तो नहाने के बाद कैसे मस्तियां कर रही है, सारी मट्टी में भर गई है दोस्तों। तो दोस्तों आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना कि इसका हम नाम क्या रखें दोस्तों। जब से हमारी शैगी मरी है, इमरान के बाद दोस्तों कुत्ते बहुत कम थे, तो ये पीछे पड़ा हुआ था शीशन दोस्तों, बहुत दूर से बॉर्डर से मंगवा के दिया, बड़ा ही प्यारा है दोस्तों, प्योर बिगयाड़ी है। अब इसे दोस्तों छोटा सा और कान देखें कितने बड़े बड़े और सीधे खड़े हैं, फीमेल है दोस्तों। लाजमी आपने इसका कमेंट्स करके नाम बताना है कि इसका नाम हम क्या रखें। देखें दोस्तों नहाने के बाद इसे सुकून मिल गया और धूम में जाके मट्टी में बैठ, ऐसे करते हैं इसे अंदर बंद करते हैं, शाम में इसे रखते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे करते हैं दोस्तों, इमरान की छत पे चलते हैं और इसके कबूतरों का शो करते हैं दोस्तों। काफी दिन हो गए इसके कबूतर नहीं देखे जी हमने। ये देखें दोस्तों फैंसी मुर्गा जैसे दोस्तों, जो हमारे पास है वो गोल्डन बफ है और ये बैंटन है दोस्तों। देखें कितना छोटा गदर माशाल्लाह, ब्लैक कलर का बड़ा ही प्यारा मुर्गा है। मोर देखें दोस्तों कितने करीब बैठे हैं हमारे, माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा कलर है, देखें ब्लू शोल्डर है दोस्तों। ठीक है देखें दोस्तों फुल काली हुई है इसने, और अभी दोस्तों बाहर को भागेगा। देखें दोस्तों बाहर को चला गया, और माशाल्लाह देखें धूप में कितनी प्यारी लग रही है दोस्तों इसकी टिकियाँ, धूप की छुआएँ पड़ रही हैं। तो मुर्गा देखें दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है मुझे, तो छोटा सा पिद्दा सा है दोस्तों, फैंसी मुर्गा। और देखें दोस्तों छह चूजे निकले हुए हैं सील। इमरान के बाद दोस्तों एक मुर्गा आपको पहले भी दिखाया था, अच्छी हाइट वाला दोस्तों मुर्गा है, ऐसा ही कलर है दोस्तों, सारे बच्चे उसी पे हैं, दो तीन माँ पे दोस्तों और बाकी बाप पे हैं, बच्चे दोस्तों बड़े ही प्यारे हैं। आपको दिखाते हैं, खोल के दिखाते हैं दोस्तों, दरवाजा खोलते हैं। तो ये देखें दोस्तों ये मुर्गी है और ये बच्चे लिख लो हैं दोस्तों, देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। हाँ फैंसी मुर्गी के और गंजी मुर्गी के ऐसे ही बच्चे हम निकलवाएंगे, और देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, प्योर असील है ये बच्चे। ये देखो इस मुर्गे के बच्चे हैं, हाइट देखें दोस्तों माशाल्लाह, जो आपको पहले मुर्गा दिखाया उससे भी ज्यादा इसकी हाइट है। और ये भी देखें ऊपर छत के साथ इसका सर लग, मुर्गा देखें दोस्तों माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा है। बच्चे भी दोस्तों इसके बड़े ही प्यारे होंगे, ऐसे ही बच्चे वो बनेंगे। तब दोस्तों इस मुर्गी के साथ इसे छोड़ा हुआ के अंडे ले रहे हैं, इसके भी बच्चे निकलवाएंगे। और ये देखें दोस्तों तोते वगैरह इधर रखे हुए हैं सारे ही अमरूद के लिए दोस्तों, इधर धूप वगैरह कोई मसला नहीं बनता। बच्चे वगैरह अंडे वगैरह दोस्तों इन्होंने निकाले ही हुए हैं, पहले भी आपको दिखाए थे। पानी वगैरह इनका चेंज कर रहे हैं, सारों का दोस्तों दाना पानी चेंज हो रहा है, जैसे हमने कल कुंडियाँ धोई थी ऐसे कुंडियाँ अच्छी तरह धो के दोस्तों रोजाना पानी चेंज किया जाता है इनका। पानी चेंज कर लें दोस्तों, फिर आपको कबूतर दिखाते हैं जी। और ये देखें दोस्तों उमरे का जोड़ा है दोस्तों, वाइट कलर का है और वो वाला दोस्तों ब्राउन। और ये देखें जी वाइट रिगनेक पर आ गए हैं दोस्तों, कबूतरों के लिए पानी रख रहे हैं, पानी रख दिया दोस्तों कबूतरों को। और देखें एक करके सारे कबूतर दोस्तों आ गए यहाँ पे, नहाएंगे भी और पानी भी पिएंगे। और देखें दोस्तों सारे कबूतर ऐसा ऐसा करके नीचे आ रहे हैं जी पानी पीने के लिए, अभी इनका पानी चेंज करा है, अब अंदर से देखते हैं कबूतर। और ये देखो दोस्तों इतने ज़्यादा कबूतर हुए हैं, इधर नीचे भी अंडा उतारा है, इस जगह पर भी दोस्तों उतारा है, इधर भी उतारा है दोस्तों, ये देखें यहाँ पर भी उतारा है, इसके पीछे भी उतारा है, काफ़ी जगह जगह दोस्तों अंडे उतारे हैं दोस्तों माशाल्लाह से। बच्चा भी निकला हुआ है, एक बच्चा निकला हुआ दोस्तों, लगता है एक अंडा ख़राब है, काफ़ी बड़ा हुआ होगा बच्चा। ये देखें दोस्तों शराजी कितना प्यारा, और इधर भी दोस्तों ये अंडे उतार के बैठे हैं अंडों के ऊपर, ये वाला भी दोस्तों देखें अंडे उतार के बैठा है। इधर भी देखें दोस्तों बच्चा निकला हुआ है, एक अंडा ख़राब है दोस्तों, इतने ज़्यादा कबूतर है, जगह जगह अंडे देके दोस्तों वहीं पर बैठ जाते हैं, कोई बैठ जाते हैं कोई नहीं बैठते। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से इधर भी बच्चे निकाले हुए हैं, खुडे के ऊपर ही अंडे देके दोस्तों, नीचे वाले खाने में देखो माशाल्लाह से। ये भी दो बच्चे निकले हुए हैं, छतरी वाले कबूतर है दोस्तों, दो बच्चे माशाल्लाह से इसके निकले हुए हैं। नीचे वाले खाने में भी दोस्तों दो बच्चे निकले हुए हैं, और इसने भी अंडे उतारे हुए हैं साथ ही, अंडा देखें किस तरह नीचे पड़ा है। इस खुडे में भी दोस्तों बच्चे निकले हुए हैं, और देखें माशाल्लाह कितने बड़े बड़े बच्चे हुए हैं इसमें, इसमें भी दोस्तों बच्चे निकले हुए हैं, ये भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हैं। और इस शराजी ने दोस्तों अंडे उतारे हुए हैं नीचे, वो देखें दोस्तों माशाल्लाह से दो अंडे हैं ताज़े ही उतारे हुए हैं। इसमें भी दोस्तों देखें बच्चा निकला हुआ, सारों ने ही दोस्तों अंडे बच्चे निकाले हुए हैं, कबूतर ही माशाल्लाह से इतने हैं। ये वाला दोस्तों जो है तैडी का जुड़ा है माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा, लेकिन इन्होंने अभी ब्रीड नहीं की। और ये वाला देखें दोस्तों शराजी कितना प्यारा है, रेड कलर का है दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है। और देखें दोस्तों काफ़ी कबूतर बाहर भी आए हुए हैं, और बाहर कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों, एक लक्का बैठा वाइट जैसा हमारे पास है दोस्तों वैसा ही है, इसकी मादी भी दोस्तों यहीं पे फिर दिया रेड कलर की। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है आज भी, डोलो बोलो को दोस्तों पानी भी रखते हैं, इनका पानी दोस्तों उठाया है मैंने, मैंने कहा चलो पहले सफाई कर देते, फिर इन्हें रख दो, पट्ठे इन्हें बांध दिए कल वाले ही बचे हुए थे, ऐसे कर पहले सफाई कर देते हैं ताकि हमारे डोलो बोलो जो है पट्ठे खाते रहे दोस्तों, मैं इतना झाड़ू मार देता हूँ दोस्तों। डोलो बोलो दोनों ही डर गए हैं दोस्तों, झाड़ू और ये कचरा उठाने वाला लेकर आए हैं दोस्तों, देखें कितना गंद किया हुआ, मिंगने मिंगने इन्होंने की हुई है, ये देखें दोस्तों कितनी सारी हैं, ऊपर ऊपर से झाड़ू से उठा लेंगे ऐसे, सारी इनकी सफाई करते हैं दोस्तों। हल्का सा बच्चा मुझे नजर आया है, नीचे दबा हुआ है दोस्तों, लगता है कि ये मर गया है, टोलू बोलूगा दोस्तों बच्चा भाई निकालते हैं इसे। ये देखें दोस्तों
देखें दोस्तों मिट्टी के नीचे दबा हुआ था यहाँ पे, पता नहीं जी ये कब से दबा। देखें दोस्तों लीचे लीचे इन्होंने काफ़ी गंद किया हुआ, ऊपर मट्टी गिरी हुई थी दोस्तों, देखें सारा मट्टी में भरा पड़ा है। और ये बेचारा वो दोस्तों पता नहीं कब कहाँ भरा हुआ है। लगता है दोस्तों जैसे ये मट्टी में भरा हुआ है ना रात को, या तो मरा है ये, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल जिसम इसका सही पड़ा हुआ ना, अकड़ जाता है दोस्तों काफ़ी देर हो जाए तो, या दोस्तों ये रात को मरे या फिर अभी से घंटा डेढ़ ही हुआ होना। एक बच्चा दोस्तों मर गया, तो मैंने सोचा दोस्तों दो तीन दिन हो गए नजर नहीं आए बच्चे, और दूसरा बच्चा भी पता नहीं दोस्तों जिंदा है या वो भी मर गया। ये बेचारा दोस्तों इधर गिराया हुआ था मार के। ऐसे करते हैं दोस्तों इसे दफना के आते हैं, सफाई बाद में करेंगे आगे। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा, दो तीन दिन से हमने बिल्लियों को दोस्तों नीचे ही खुला छोड़ा हुआ है, और बैठक में दोस्तों इन्हें खुला छोड़ा हुआ, देखे कैसे फिर पंखा चलाया हुआ इनके लिए चलता रहता है दिन के टाइम, और बिल्कुल सुकून में ऊपर तो इनकी जुबान निकल जाती है, इसलिए दोस्तों सुबह सुबह इन्हें लीचे ले आते हैं और रात को दोस्तों इन्हें ऊपर छोड़ते हैं। और ये देख बादल भी आ गई है, बादल भी बड़ी ही खुश है दोस्तों, ठंडी बैठेगा है दोस्तों, पंखा ना भी चलाएं तो लीचे वाला फर्ज दोस्तों ठंडा है यहाँ पे इसलिए। और देखें दोस्तों सारी बिल्लियाँ मेरे साथ बैठी हैं, इनको ऐसे डाल रहा हूँ दोस्तों, थोड़ी थोड़ी सारी बिल्लियाँ ही खा रही है माशाल्लाह से। देखें दोस्तों एक बिल्ली दोस्तों देखो वहाँ जाके बैठी है, जो नई क्रास होने के लिए दोस्तों आई थी एडी भाई की दोस्तों, मुझे लगता है दोस्तों क्रास हो गई है, लेकिन दोस्तों वो खा बहुत कम रही है। एडी भाई को आज खास करते हैं उनके भाई को, वो ले जाएंगे आज। दोस्तों हमारे कालू के थोड़े दिन ही रह गए दोस्तों, इसको उम्मीद है कि 20-22 तारीख को दिन पूरे होंगे, और माशाल्लाह से दोस्तों बिल्कुल ठीक है हमारा कालू दोस्तों। दोस्तों सारी बिल्लियों को हमने नीचे ही छोड़ा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा दोस्तों ऊपर छत पे, तो इसलिए नीचे ही बैठक में खुले फिरते हैं दोस्तों, रात के टाइम जो है दोस्तों ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों जो कालू है हमारा उसे हमने नीचे ही रखा हुआ, रात को ही दोस्तों हम नीचे ही रखते हैं, बाकी बिल्लियाँ दोस्तों वो रात के टाइम ऊपर छोड़ देते हैं, दिन के टाइम दोस्तों ऐसे बैठक में ही रहते हैं दोस्तों, ठंडी है बैठक, पंखा भी चलता रहता है। और देखें दोस्तों हम जुबान नहीं लिख रही, वरना ऊपर तो इनकी जुबान लिख रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ये देखेंगे दोस्तों हमारी काली काली पेट भर गया फिर काली। तो दोस्तों अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।